तो पावर बीआई में हम एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, और ये डैशबोर्ड हम किसी और सर्विसेज से नकल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अपने मन से है कितना रिपोर्ट बनाओ और बेनिफिट नहीं होता जब तक कि आप कोई अलग अलग जगहों पे देखे नहीं। तो हम एक वेबसाइट जो है डैशबोर्ड iDashboard.com की वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड्स के सैंपल्स होते हैं, तो इसी डैशबोर्ड को हम पावर बीआई पे करना चाहते हैं। तो इसलिए जो डेटा हमने तैयार किया कि ये डैश वेबसाइट डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है। तो डेटा है कि टिकट, एक आईटी सर्विसेज का डेटा है, टिकट नंबर है, डेट ऑफ टिकट है, किस किसने टिकट किया है, किस डिपार्टमेंट से किया है, कौन सा सिटी है, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्रिटिकल था, हाई था, मीडियम था, स्टेटस क्या है, सॉल्व हो गया या इग्नोर है या क्लोज हो गया, कस्टमर ने क्या रेट दिया, किस एजेंट ने हैंडल किया, कितना टाइम लगा। अब उस पर मुझे इस तरह का रिपोर्ट तैयार करना है पावर बीआई। तो चलिए सबसे पहले तो हम पावर बीआई को ओपन करते हैं। तो इसमें एक बार देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे टिकट्स रिलेटेड है कि ऑल टिकट्स, यहाँ पे क्रिटिकल कितना है, या यहाँ पे हाई कितना है, लो कितना है, मीडियम कितना है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे सेम टू सेम हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है और एक्नॉलेज कितना हो गया, यहाँ पे स्टेटस बाय परफॉर्मेंस है, कितना परसेंट क्लोज हुआ, कितना एक्नॉलेज हुआ और कितना परसेंट ये हुआ, ये चीज़ें हम देंगे यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस होगा कि भाई कितना दिन जेंटलाइजेशन या जो रेट है वहाँ पे देंगे। यहाँ पे कस्टमर है कि कितना परसेंट सर्टिफाइड हुए, कितना परसेंट हुआ, ये सैम्पल हमें देना है। उसके बाद यहाँ सॉफ्टवेयर वाइज जो है ओपन एंड रिजॉल्व, ओपन एंड एक्नॉलेज का मुझे देना है कि कितना भी काम कर चुका है। उसके बाद स्टेट वाइज हमें टोटल टिकट्स देने हैं, ये चीज़ें हम करना चाहते हैं पावर पे। तो चलिए ओपन कर रहे हैं, अभी पावर ये ओपन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। सर छोटा छोटा जो सिंबल होता है वो सब अवेलेबल रहता है पावर बीआई में? नहीं अवेलेबल होता है, पिक्चर के थ्रू ले आइए। ओके okay, तो चलिए शुरू हो गया है। तो पावर बीआई हमारा शुरू हो चुका है, अब यहाँ हम आते हैं। सबसे पहले पावर बीआई में हम डेटा लोड करेंगे, यहाँ फ्रॉम एक्सेल से हम डेटा लोड करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डेटा हमारा आईटी डेटा नाम का है, डॉक्यूमेंट में आईटी डेटा हमने सेलेक्ट करके ओपन किया। आईटी डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको लोड होने देते हैं।
अब यहाँ पे सारा डेटा आ गया। तो यहाँ सबसे पहले तो हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, एक सेप्स लेते हैं रेक्टेंगल और इसको यहाँ पे और इसको इस सेप्स को लिए हम डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स ले सकते थे, माफ करना टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ है आई टी डैश, ये जो ऊपर आपका इसमें जो ऊपर हेडिंग है ना आईटी सर्विस डेस्क, ये हम लिखना चाहते हैं। इस साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 14। इसको सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसकी इसमें जो है हमारा ये तो ठीक है। अब यहाँ पे कलर है, ये टेक्स्ट कलर है आपका, तो टेक्स्ट कलर को हम वाइट करते हैं और इसके बाद इसकी बैकग्राउंड में आते हैं और इसकी जो बैकग्राउंड में वाइट कलर है इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला हमने टास्क कंप्लीट कर लिया, परफॉर्मेंस होगा तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से सैप्स को लेते हैं और इसको जो है यहाँ थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं और नीचे तक लाते हैं। तो इसकी हम यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, सही है, एक्शन नहीं है, इसकी बैकग्राउंड में आते हैं, इस कलर को हटा देते हैं, बैकग्राउंड ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसकी कलर अपने हिसाब से जो कलर हमें चाहिए वो कलर हम यहाँ से लेते हैं। हाँ, लेकिन 3D स्टाइल वाला, इस 3D स्टाइल जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। ये हमारा हो गया, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे मुझे अपने क्या देने हैं, सैप्स देने हैं कि ऑल टिकट्स क्रिटिकल कितने हैं और कितने हैं सब। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होगी, इसके लिए हमें मेजर्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेजर्स। तो हम मेजर्स में आते हैं, यहाँ पे लेते हैं सम का फॉर्मूला और सम के फॉर्मूले में हम लेते हैं सम नहीं काउंट माफ कीजिएगा काउंट का फॉर्मूला, काउंट ए का फॉर्मूला और काउंट ए में हम टिक आईटी डेटा का टिकट नंबर एजेंट टी नंबर टिकट नंबर। मुझे इसमें से काउंट करना है जो मतलब कि क्रिटिकल है, जो हमारा स्टेटस है उस स्टेटस के बिहाफ पे काउंट करना है, एक बार एक्सेल डेटा है स्टेटस के बिहाफ पे कि क्रिटिकल लेना है, हाई लेना है, मीडियम लेना है एंड लो लेना है। तो एक और मेजर्स में हम आते हैं क्योंकि ये मेजर्स में ही करना है हमें, तो मेजर्स में हम बनाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं इसका नाम देते हैं क्रिटिकल, ये जो क्रिटिकल है ना ये क्रिटिकल नाम देते हैं। और यहाँ पे काउंट ए एक्स और इसमें देंगे हम फिल्टर का फॉर्मूला
और फिल्टर के फॉर्मूले में हम सिलेक्ट करेंगे आईटी डेटा, और आईटी डेटा में हम यहाँ पे देंगे क्वालिटी इक्वल टू क्रिटिकल, और फिर यहाँ पे हमें काउंट क्या करना है, काउंट करना है टिकट नंबर टी नंबर, तो ये हमारा सम करके दे देगा। और एक बार मैं साथ साथ रखते भी चलता हूँ, और ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ हम जो ये आ रहा है आपका कार्ड, कार्ड को लेते हैं, इस कार्ड में हम लेते हैं अपना टोटल, नहीं टाइम टिकट नहीं, ऑल टिकट, बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये सही, इतना छोटा सही है। इसकी फॉर्मेटिंग, क्योंकि मुझे इसको व्हाइट नहीं रखना है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो हम इसकी बैकग्राउंड पे आते हैं, और वाइट के जगह पे हम बैकग्राउंड ब्लैक लेते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे ब्लैक नहीं ब्लू है, इतने ब्लू कर देते हैं, ले जाएगा ब्लू। और इसकी जो टाइटल है, नहीं टाइटल, टाइटल को बाद में करते हैं, इसकी जो, अब इसकी जो डेटा लेबल है उसकी कलर ब्लैक से वाइट करनी है, एंड कैटेगरी का जो कलर है उसको हमें वाइट करना। अब ठीक है, उसी तरह से एक और यहाँ पे हम और हम लेते हैं यहाँ पे अपना आई कार्ड, इस आई कार्ड में हम रखते हैं क्रिटिकल, जो हमारा क्रिटिकल है, क्रिटिकल को उठा के रखते हैं, और इसको भी उसी लेवल में हम छोटा करेंगे। सर इसको हम कॉपी भी कर सकते थे ना, क्या कॉपी कॉपी करके टाइटल चेंज कर भी कर सकते थे, कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग हमें अलग रखनी है ना, इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग हमें अलग रखनी है, और थोड़ा सा गैप भी रखना है ताकि पीछे का व्हाइट दिख सके। हमें क्या करना है कि इसकी बैकग्राउंड को हमें रेड करना है, क्योंकि क्रिटिकल जो होता है वो रेड होता है, और यहाँ हम रेड लेते हैं, इसकी कलर सेट सही नहीं है, चलिए रेड ले लेते हैं, रेड हो गया, और इसकी इसको भी व्हाइट करते हैं, इसको भी व्हाइट, इसकी जो ये है डेटा लेबल है इसको हम दे देते हैं वाइट, और इसके बाद कैटेगरी लेबल है उसको भी देते हैं वाइट। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, क्रिटिकल का जो ये है ना, ये सैम्बल नहीं है, तो क्रिटिकल का सैम्बल ले, हालांकि मैं हम इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या कॉपी पेस्ट होता है या नहीं होता है, तो हम क्या है, हम इसको खोले और फिर हम अपना एक्सेल फाइल खोल, इंसर्ट में आइए,
इंसर्ट में आपके पास इलस्ट्रेशन में स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है, एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। अब मैं एक बार इसको कॉर्प कर लेता हूँ। कट करने के बाद हम यहाँ आते हैं एक्सेल में और यहाँ का हम पेस्ट कर सकते हैं इसको, नहीं पिक्चर को पेस्ट नहीं कर सकता मैं, लेकिन इसमें हम हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में सिंबल वगैरह है, लिंक है, इंसर्ट लिंक कर सकते हैं बट सिंबल नहीं, लेकिन सिंबल में हम पेस्ट कर सकते हैं नहीं, तो टेक्स्ट बॉक्स में ही लेकर के और छोटा बहुत छोटा करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं होगा सर, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में भी नहीं हो रहा है, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो इमेज आएगा वो हमेशा आएगा कहाँ से, इंसर्ट करके ही आएगा। इंसर्ट में यहीं से आएगा आपका इमेज, ये दिखा इमेज से आप सकते समझ जाइए। इसमें आप जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, आप बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसके बाद सैप्स, सैप्स जो है ये सारा सैप्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इमेज कर सकते हैं, इसमें उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आइकन को छोड़ देते हैं, आइकन आप पिक्चर लेकर डाल दीजिएगा, आप डाल ही सकते हैं इतना तो। सर जैसे मेल फीमेल का ही सिंबल डालना है सर, तो वो कैसे डालेंगे, लड़का का लड़की का, जैसे पिक्चर बना के, पिक्चर बना के। जैसे कि मैं चलिए एक बता देता हूँ, मैं एक बता देता हूँ, टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले पेंट को खोला, पेंट खोलने के बाद हमने सैफ एक्सेल से या वर्ड से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको जो है हम छोटा कर दिया, या गूगल से भी आप ले सकते हैं, कर लीजिए सेव, और हमने सेव में CRT के नाम से सेव कर दिया। हमने इसको JPG में सेव कर दिया, ठीक है जी सर। इस इमेज को हमें यहाँ इमेज से उठाना है, इमेज पिक्चर, और पिक्चर में हम CRT के नाम सेव किया है इसके लिए, और हमने बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको छोटा करते हैं अपने हिसाब से, छोटा किए, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जगह बनाता हूँ और इसको डालता हूँ। मतलब पावर बी आई का अपना सा सिंबल नहीं होता है, मतलब सिंबल सर, तो मैं पहले ही बताया कि अपना कोई सिंबल नहीं, तो क्रिटिकल हमने ले लिया तो, लेकिन क्रिटिकल जो लिखा हुआ है सर वो नीचे कट रहा है सर, तो उसको बीच में लाना बड़ा करना पड़ेगा इसको, नहीं बीच में लाना रहेगा तो सर सेंटर में, नहीं ऊपर वैल्यू इसको छोटा कीजिए ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है तो आप पिक्चर में आए, डेटा लेवल पे आए, और ये जो साइज आ रहा है डेटा लेवल की फॉन्ट टेक्स्ट साइज, इसको कम जी, तो बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, माफ कीजिएगा, इसको जो है हम कर देते हैं जी सर, क्लियर है। आ गया, अब चलिए यहाँ पे मेजर्स पे आते हैं, न्यू मेजर्स, और यहाँ हम देते हैं मीडियम, कि जो हमने यहाँ पे तीसरा जो हमारा है ना ये है, दूसरा जो है ये है ना मीडियम है, नहीं हाई, मार्क क्रिटिकल के बाद हाई है, तो
हाई का हम यहाँ पे फॉर्मूला तैयार करते हैं हाई, और वो फॉर्मूला तो लॉस्ट हो गया, चलिए इसको हम कहाँ से ले लेते हैं, दोबारा से लिख देते हैं, काउंट ए एक्स फिल्टर, फिल्टर में देंगे हम यहाँ पे डेटा आई टी डेटा, और फिर उसमें हम देंगे यहाँ पे आई टी डेटा में जो प्रॉपर्टी है तो इक्वल टू हाई, हमें इसका तीन नंबर को सम करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना आई बटन लेते हैं और आई बटन को यहाँ रखते हैं, इस पे हम हाई वाली जो कैलकुलेशन है उसको लेते हैं और इसको नीचे की तरफ करते हैं, और हाई वाली जो कलर है वो कलर कौन सा है, हाई भी हल्का रेड है, मैं उतना रेड नहीं हल्का रेड, इसकी जो बैकग्राउंड है इसकी बैकग्राउंड में आते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में वाइट हम यहाँ पे रेड लेते हैं, लेकिन रेड की जगह पे कोई अपना कलर भी आप ले सकते हैं, सर गर्ल्स की तरह हमें कलर ब्लाइंडनेस है, मेरी गर्ल की तरह अलग अलग कलर नहीं पहचान पाते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी भी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में जो इसका डेटा लेवल है इसकी जो ब्लैक की जगह पे वाइट कर दीजिए, साइज छोटा करना है तो साइज मैं 30 कर देता हूँ, और इसके बाद हम यहाँ आते हैं कैटेगरी में, इसको भी वाइट कर देते हैं, और बाकी चीज़ तो यहाँ पर सही है, और किट कलर का सिंबल लगाना, जैसे मैंने यहाँ सिंबल लगाया ऐसे यहाँ भी आप सिंबल लगा सकते हैं। हाई के बाद आता है मीडियम, हाई के बाद मीडियम, चलिए मीडियम पे भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं मेजर्स में, न्यू मेजर्स, और न्यू मेजर्स में हम इसको लेते हैं मीडियम, और काउंट एक्स फिल्टर आई टी डेटा, उसके बाद इक्वल टू हाई मीडियम, सॉरी मीडियम, फिर हम इसको क्लोज करते हैं, फिर हम इसको देते हैं टी नंबर और यहाँ पे क्लोज करते हैं, उसके बाद आई कार्ड, आई बटन लेते हैं यहाँ से आई कार्ड, सॉरी, और इस आई कार्ड पे हम मीडियम को रखते हैं और इसको उठा के हम इसके अंदर ले जाते हैं यहाँ, सब में एक ही काउंट आ रहा है सर, हाँ एक ही काउंट आ रहा होगा क्योंकि एक ही डेटा का कॉपी पेस्ट किया है ना सर, इसलिए देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, काउंट इफ
हमने इसको लिया और हमने इसको सेलेक्ट किया, नहीं सॉरी इसको करना है ना, 1375 अभी 1375 है, 1375 ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है सेम, क्योंकि हमने जो डेटा डाला है ना वो जस्ट ड्रैग कर दिया सेम काउंट आ गया, डेटा चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर वो ओरिजिनल जो डेटा आया था वो मैं नहीं दिखा सकता सर, वो डेटा सिक्योरिटी है, लेकिन इस पे जो है हम डेटा चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। Available white 30 category ये भी also white, इसकी size जो है 20 कर देते हैं, नहीं size, उसके बाद अब एक काम करता हूँ मैं, एक काम data में कुछ change कर देता हूँ, एक बार डेटा रिफ्रेश करते हैं, हो गया चेंज जी, जी सर अब आ गया सर, अब जी सर के बाद आता है लो, मीडियम के बाद, और हम इसके लिए भी मेजर्स तैयार करते हैं, मेजर्स यहाँ पे काउंट एक्स इसमें फिल्टर में आईटी डेटा, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी इक्वल टू लो, और फिर यहाँ पे के बाद हम यहां से कार्ड लेते हैं, फिर हम लो को रखते हैं और यहां हम इसको जगा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि छोटा सा प्रॉब्लम इसमें आ गया कि जगह बहुत बच रहा है ना, हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें पेज उसी हिसाब से भर जाए, तो हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा अपना ये कर देंगे, बड़ा कर देंगे थोड़ा थोड़ा, अब इसका आगे सिंबल लगाएंगे तो जगह चाहिए ना सर, जैसे ये बड़ा हुआ है जो है हम ग्रे कलर कर देते हैं क्योंकि ये लो है, बैकग्राउंड ग्रीन तो है, हाँ मोर कलर पे है ना, मोर कलर तो है मेरे पास, इसको हम कर देते हैं ग्रे,
इसकी भी, इसको भी वाइट, इसको ब्लैक रहते हैं, इसको रेड डार्क रेड करते हैं, सही रहेगा। नजर इस पर नज़र ही नहीं पड़ा मुझे अभी तक। ये हमारा हो गया, अब इसमें अब अगला जो टॉपिक आता है हमें ये देना है, द क्रिटिकल वाइज यहाँ परसेंटेज शो होना चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ सिर्फ बार चार्ट उठाते हैं, बार चार्ट में हम देते हैं अपना देते हैं स्टेटस, नहीं एक मिनट, नहीं 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 गलत, हमने गलत कर दिया, इसमें प्रॉपर्टी इसमें जो है क्लोज एक्नॉलेजमेंट नहीं, ये हम गलत कर दिए, स्टेटस को ही रखना है, प्रॉपर्टी का रखना है स्टेटस, स्टेटस को भी हम फील्ड में दोनों का सेम करना है, और यहाँ जो है हम देंगे वैल्यू के में भी इसी उठा के देते हैं डिफॉल्ट उठा के, और वैल्यू में काउंट, चलो और इसमें ऊपर टाइटल आ रहा है, टाइटल होना चाहिए वैसे बड़ा वैसे बड़ा, यहाँ जो आ रहा है यहाँ, सर दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज, मैं सर दोबारा ज्वाइन कीजिए, अब इसकी लेजेंड में आते हैं, लेजेंड हमें नहीं चाहिए, हमने हटा दिया, उसके बाद डेटा कलर्स, डेटा लेवल, डेटा लेवल में डेटा वैल्यू एंड यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, और कलर भी हमें वाइट चाहिए, ये हम सबसे पहले इनसाइड करना है इसको, इसको बड़ा करना है, और इसको उठा के हमें इस पे रखना है, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड इसको हटा दीजिए, ताकि वो पीछे का डेटा को डिस्टर्ब ना करे, और फिर इसको अपने हिसाब से छोटा कीजिए ताकि वो यहाँ इस पे फिट हो जाए, एक मिनट इसकी टाइटल एक बार देखता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ,
इसकी जो टाइटल है बाद में इसको ऑन करेंगे, प्रोग्राम हो गया, इसकी डेटा लेवल साइज बढ़ गया है, इसको हम छोटा कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये साइज में है, इसको छोटा कीजिए। ठीक है सर, कितना तो रहना चाहिए, ओके। अब इससे आगे की जो चीजें हैं सर हम कल बात करेंगे, इसमें फिलहाल इसको इतना रहने देते हैं, ओके।